मैं राजस्थान का प्रसिद्ध चोटिला स्थित ओम बन्ना धाम बोल रहा हूँ। मैं वही हूँ जहाँ किसी व्यक्ति या मूर्ति की नहीं बल्कि एक मोटरसाइकिल की पूजा की जाती है। मेरे यहाँ पूजा में फूल और प्रसाद में कोई मिठाई नहीं बल्कि शराब चढ़ाई जाती है। मेरे यहाँ हर कोई अपनी सुरक्षित यात्रा के लिए प्रार्थना करने आता है। ऐसा भी माना जाता है कि जो भी मेरे यहाँ से गुजरता है और मेरे यहाँ नहीं आता उसकी किसी दुर्घटना से सामना हो जाता है। मैं वही मंदिर हूँ जहाँ 35 साल से एक बुलेट जिसके नंबर RNJ7773 है वह कांच के बक्से में बंद है। आज मैं आपको मेरे यहाँ रखी इस रहस्यमयी बुलेट के बारे में भी बताऊंगा और साथ ही ये भी बताऊंगा कि यह किसकी है और किस वजह से यहाँ पर रखी है और इसको लेकर लोगों के मन में क्या क्या मान्यताएं हैं। आपके मन में भी ओम बन्ना के बारे में जितने भी प्रश्न है उन सभी से आज मैं पर्दा उठाऊंगा। भारत एक ऐसा देश है जहां कुछ किलोमीटर की दूरी पर आपको कोई न कोई प्राचीन मंदिर मिल जाएगा। इन मंदिरों की अपनी अलग पहचान और मान्यताएं होती हैं, जहां लोग दूर दूर से मन्नत मांगने आते हैं। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी के नाम पर भी मंदिर बन चुके हैं, लेकिन आपने मोटरसाइकिल का मंदिर शायद ही कहीं देखा होगा। यह आपको मेरे यहाँ ही देखने को मिलेगा। मुझे बुलेट बाबा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मैं राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण तीर्थस्थल हूँ। मैं राजस्थान के पाली जिले के चोटिला नामक जगह पर स्थित हूँ। मैं पाली शहर से 20 किलोमीटर दूर पाली और जोधपुर के बीच में NH-65 पर स्थित हूँ। मेरे एक धाम को देवरे के नाम से भी जाना जाता है। असल में यह बुलेट मोटरसाइकिल चोटिला गांव के निवासी ओम सिंह राठौड़ की है और उनके नाम पर ही मेरा नाम ओम बन्ना धाम पड़ा। राजपूत समाज के युवकों को बन्ना नाम से संबोधित किया जाता है और इसी वजह से उन्हें ओम बन्ना या बुलेट बाबा के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म 1965 या 1966 के आसपास का माना जाता है। श्री ओम बन्ना सा का जन्म राजस्थान के पाली जिले में ग्राम चोटिला के सरपंच ठाकुर श्री जोग सिंह जी के घर पर हुआ था। इनका पूरा नाम ओम सिंह राठौड़ है। ओम बन्ना को आज पूरे भारत भर में ओम बन्ना, बुलेट मोटरसाइकिल वाले राठौड़ बन्ना, चोटिला राजा और बुलेट वाले बाबा जैसे कई नामों से जाना जाता रहा है। बचपन से ही ओम बन्ना को बुलेट मोटरसाइकिल चलानी बहुत पसंद थी। ओम बन्ना अच्छे स्वभाव वाले और जरूरतमंदों की मदद करने वाले इंसान थे। उनके पास 1988 के जमाने में भी एक बुलेट 350 थी, जिससे पता चलता है कि उस व्यक्ति को मोटरसाइकिल कितनी ज्यादा पसंद थी। उनके गांव वाले भी बताते हैं कि वो जब भी कहीं जाते थे तो बहुत तेज बुलेट मोटरसाइकिल चलाकर जाते थे और उनकी गाड़ी का साइलेंसर भी काफी आवाज करने वाला था, तो जब भी वो कहीं इधर उधर जाते तो उनकी गाड़ी की आवाज से लोग उनको पहचान जाते थे। और 2 दिसंबर 1988 को उनका इसी स्थान पर एक सड़क दुर्घटना में देवलोक गमन हो गया। स्थानीय लोगों के अनुसार स्थान पर हर रोज कोई ना कोई वाहन दुर्घटना का शिकार हो जाया करता था। जिस पेड़ के पास ओम सिंह राठौड़ की दुर्घटना घटी उसी जगह पर पता नहीं कैसे कई वाहन दुर्घटना का शिकार हो जाते रहे। ये रहस्य ऐसे ही बना रहा। कई लोग यहाँ दुर्घटना के शिकार बन अपनी जान गंवा चुके थे। ओम सिंह राठौड़ की दुर्घटना में मृत्यु के बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई के तहत उनकी उस मोटरसाइकिल को थाने लाकर बंद कर दिया, लेकिन दूसरे ही दिन सुबह ही थाने से मोटरसाइकिल गायब देखकर पुलिसकर्मी हैरान थे। आखिर तलाश करने पर मोटरसाइकिल वहीं दुर्घटना स्थल पर ही पाई गई। पुलिसकर्मी दोबारा मोटरसाइकिल थाने लेकर आए, लेकिन हर सुबह मोटरसाइकिल थाने से रात के समय गायब हो दुर्घटना स्थल पर ही अपने आप पहुंच जाती। आखिर पुलिसकर्मियों वे ओम बन्ना सिंह के पिता ने ओम सिंह की मृत आत्मा की यही इच्छा समझकर उस मोटरसाइकिल को उसी पेड़ के पास छाया बनाकर रख दिया। इस चमत्कार के बाद रात्रि में वाहन चालकों को ओम सिंह अक्सर वाहनों को दुर्घटना से बचाने के उपाय करते थे। चालकों को रात्रि में दुर्घटना से सावधान करते दिखाई देने लगे। वे उस दुर्घटना संभावित जगह तक पहुंचने वाले वाहन को जबरदस्ती रोक देते या धीरे कर देते ताकि उनकी तरह और भी कोई वाहन चालक ऐसा में एक मौत का शिकार न बने। और इसके बाद आज तक वहां दोबारा कोई दूसरी दुर्घटना नहीं हुई। ओम सिंह राठौड़ के मरने के बाद भी उनकी आत्मा द्वारा इस तरह का नेक काम करते देखे जाने पर वाहन चालकों व स्थानीय लोगों में उनकी इस प्रति श्रद्धा बढ़ती गई और उसी श्रद्धा का आज यह परिणाम है कि ओम बन्ना के इस स्थान पर हर वक्त उनकी पूजा अर्चना करने वाले लोगों की भीड़ लगी रहती है। उस राजमार्ग से गुजरने वाले हर वाहन मेरे यहां रुककर ओम बन्ना को नमन करके ही आगे बढ़ता है।
और दूर दूर से लोग उनके स्थान पर आकर अपनी श्रद्धा प्रकट कर उनसे व उनकी मोटरसाइकिल से मन्नतें मांगते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जो भी भक्त सच्चे मन से ओम बन्ना की पूजा करता है, ओम बन्ना उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इसके लिए अनेक जीवंत उदाहरण और किस्से प्रचलित हैं। मुझे बनाने के पीछे भी एक कहानी है और वो भी काफी प्रचलित है। और ओम बन्ना की मौत के बाद वे उनकी दादी समंदर कंवर के सपने में आए और दर्शन देते हुए कहा कि मैं आपका पोता जुझार हो गया हूँ। जिस जगह हादसे में मेरी मौत हुई थी वहां मेरा थान बनवा कर मूर्ति स्थापित करवा दो और मेरी बुलेट मोटरसाइकिल को मेरे स्थान पर वहीं पर रखवा देना। मैं दीन दुखों के दुख दूर करने के लिए ही संसार में आया हूँ। शुभ दिन देखकर मेरे स्थान की प्राण प्रतिष्ठा करवा देना, फिर देखना मेरे धाम पर कितने चमत्कार होते हैं। ओम बन्ना की दादी सास सारी रात सो न सकी क्योंकि मोटरसाइकिल के अपने आप एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंचने की घटना का उन्हें पहले से पता था और फिर पोते को सपने में आकर स्थान बताने वाली बात कहने से उनका मन और व्याकुल हो उठा। अगली सुबह उन्होंने ओम बन्ना के पिता जोग सिंह को सारा वृतांत सुनाया और पोते की मूर्ति बनवाकर एक्सीडेंट वाली जगह पर स्थापित करने के लिए कहा। अपने माँ के आदेशों की कभी अवहेलना न करने वाले जोग सिंह ने काम प्रारंभ कर हजारों लोगों की उपस्थिति में मार्ग शीर्ष माह की कृष्ण अष्टमी के दिन मूर्ति की स्थापना की। साथ ही ओम बन्ना की मोटरसाइकिल को भी सभी धार्मिक अनुष्ठानों के बाद उनकी मूर्ति के पास रखवा दिया। तब से लेकर आज तक ओम बन्ना के स्थान पर अखंड ज्योत जगमा रही है और लाखों दुखी लोगों का दुखड़ा बन्ना और उनकी मोटरसाइकिल की पूजा करने से दूर हो रहे हैं। कहते हैं जिस तारीख और समय पर ओम बन्ना का स्वर्गवास हुआ था, हर साल ठीक उसी दिन उसी समय अपनी जगह पर खड़ी मोटरसाइकिल का इंजन खुद ब खुद कुछ समय के लिए शुरू हो जाता है। ग्रामीणों का मानना है कि पहले बड़ाई ग्राम के किनारे जहां अब ओम बन्ना का स्थान है काफी एक्सीडेंट हुआ करते थे, पर ओम बन्ना के यहाँ विराजने के बाद इस जगह उस दिन के बाद आज तक कोई भी बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ है। उनका मानना है कि ओम बन्ना और उनकी मोटरसाइकिल चमत्कारी तरीके से यहाँ होने वाले हादसों को टाल देती है और ओम बन्ना यहाँ के आराध्य होने के कारण अब भौमिया जी का दर्जा पा चुके हैं, इसलिए ही लोग ओम बन्ना और मोटरसाइकिल की पूजा करते हैं। ओम बन्ना की 350 सीसी की रॉयल इनफील्ड 350 सीसी रॉयल इनफील्ड बुलेट शीशे के एक आवरण में यहाँ पर रखी गई है जिसका नंबर RNJ 7773 है, जिसके हेडलाइट पर माल्यार्पण कर टीका लगाने के बाद वही के पास घी का दीपक या धूप बत्ती कर ओम बन्ना की आरती करने के साथ ही मोटरसाइकिल के पास ही मेरा निर्माण हुआ है। यहाँ भी धूप अगरबत्ती कर आरती करने से काम सिद्ध होते हैं। प्रतिदिन मेरे यहाँ सैकड़ों श्रद्धालु मोटरसाइकिल की पूजा के लिए आते हैं। श्रद्धालु बन्ना के फूल, माला, नारियल, मिठाई और दारू पूरी श्रद्धा के साथ यहाँ पर चढ़ाते हैं। अब मैं आपको ओम बन्ना के एक चमत्कार के बारे में बताता हूँ। ओम बन्ना के चमत्कार को पर्चा के नाम से जाना जाता है। जोधपुर शहर का एक व्यक्ति ट्रक चलाकर अपनी गुजर बसर कर रहा था। हर दिन वह अपने ट्रक में पत्थर डालकर जोधपुर से पालिया था और शाम होते होते ट्रक खाली कर वापस जोधपुर लौट जाता। सालों से उसका यही नियम था। एक शाम जब वो पाली से जोधपुर के लिए रवाना हुआ और रास्ते में ओम बन्ना के धाम के पास से गुजर रहा था, तभी उसे रोड के किनारे वहां खड़ी एक तेजस्वी व्यक्ति ने हाथ का इशारा कर ट्रक रुकवाया और उसे जोधपुर ले चलने के लिए आग्रह किया। ट्रक वाले ने उस व्यक्ति को अपने ट्रक में बिठाकर जोधपुर के लिए रवाना हो गया। ट्रक वाले को पता नहीं था कि आज उसके ट्रक में बैठा व्यक्ति साधारण नहीं बल्कि स्वयं जुंझार ओम बन्ना है। रास्ते में ओम बन्ना ट्रक वाले से बात करने लगे। ओम बन्ना ने ट्रक वाले को कहा, अरे भाई मुझे भी ईंट डलवानी है, तुम डाल दोगे क्या? ट्रक वाले ने कहा, हाँ डाल दूंगा, मुझे आप बता देना किस जगह पर डालनी है। ओम बन्ना ने कहा, भाई जिस स्थान से मैं तुम्हारे साथ गाड़ी में चढ़ा था वहीं पर तुम ईंटों का एक ट्रक खाली कर देना। और दोनों बातें करते करते जोधपुर पहुंच गए। ओम बन्ना ने ट्रक रुकवाया और उतर गए। दूसरे दिन ट्रक वाला अपने ट्रक में ईंट भरकर जोधपुर से पाली की तरफ रवाना हो गया। ओम बन्ना के स्थान पर आकर उसने वहां ईंट उतार दी। वहां उपस्थित लोगों ने ट्रक वाले से पूछा, अरे भाई तुम्हें ईंट लाने के लिए किसने कहा? उसका नाम बताओ, क्योंकि हमारे यहां तो किसी ने ईंट नहीं मंगाई। ट्रक वाला इधर उधर देखने लग गया। जब उसकी नजर ओम बन्ना के फोटो पर पड़ी तो उसने तपाक से कहा, कल ये भाई यहीं से मेरे जोधपुर गए थे और उन्होंने ही मुझे यहां ईंट डालने के लिए कहा था। इतना सुनते ही सभी ग्रामीण चकित रह गए। एक व्यक्ति बोला, ये कैसे हो सकता है? इनका तो स्वर्गवास हुए कई वर्ष हो गए हैं, ये कैसे आदेश दे सकते हैं? ट्रक वाले ने कहा, आप मानो या न मानो, मुझे इन्होंने ही यहां पर ईंट डालने के लिए कहा था।
अब सभी अचंभित होकर कहने लगे, ये तो चमत्कार हो गया भाई, तेरा भाग्य खुल गया है। स्वयं ओम बन्ना तेरे साथ ट्रक में बैठकर जोधपुर गए थे। कहते हैं ओम बन्ना की कृपा से आज उस ट्रक वाले के पास कई ट्रक हो गए हैं और उसका कारोबार बुलंदियां छू रहा है। ओम बन्ना का चमत्कार ही था कि वह ट्रक वाला आज सुखपूर्वक जीवन जी रहा है। इसी तरह रामदेवरा जाते वक्त रास्ते में एक व्यक्ति ने ओम बन्ना के स्थान पर रुककर सरपंच बनने की दुआ मांगी थी, जो कि उसकी पूरी हो गई। उसके अलावा भाकरवास की बेटी की गोद भरने का पर्चा, कोलपुर, गोड़वाड़ और पाली जोधपुर के साथ उनके लोगों को बनाने पर्चा दिया है और उन सभी भक्तों के सभी कार्य सिद्ध किए हैं। यदि आने वाले भक्त आपको मेरे आते दिख जाएंगे, और जो कोई नौकरी की चाह में आ रहा है तो कोई किसी और मनोकामना के साथ आता है, और उन सभी की मनोकामनाएं ओम बन्ना की कृपा से पूरी हो जाती है। लोगों की आस्थाएं से बड़े कि हर साल ओम बन्ना की पुण्यतिथि मार्गशीर्ष माह की कृष्ण पक्ष अष्टमी पर मेरे यहां मेला लगता है और हजारों श्रद्धालु अपने मंगलमय और सुरक्षित जीवन की मन्नतें मांगने आते हैं। भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक देश में प्रतिवर्ष 4,97,000 सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें हर साल करीब 1,42,485 लोगों की मौत हो जाती है, यानी 3.7 मिनट पर एक व्यक्ति सड़क दुर्घटना में मारा जाता है। आपको भी कोई मनोकामना हो और आप भी यहां आना चाह रहे हैं तो आपको मेरे यहां आने की संपूर्ण जानकारी दे देता हूं। मैं जोधपुर पाली स्टेट हाईवे संख्या 65 पर हूं। ओम बन्ना के दर्शन और पूजा के लिए देश के सभी हिस्से से रेल, बस और फ्लाइट से ओम बन्ना के स्थान तक पहुंचा जा सकता है। जोधपुर एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद निजी साधन से आप यहां पहुंच सकते हैं, और आप यहां पर बस व ट्रेन से आ रहे हैं तो पाली और जोधपुर दोनों में से किसी भी रेलवे स्टेशन पर आप पहुंचकर बन्ना के स्थान पर पहुंचा जा सकता है। जोधपुर से पाली और पाली से जोधपुर आने जाने वाली सभी बस ओम बन्ना के स्थान के सामने से गुजरती हैं, साथ ही निजी साधनों से भी मुझ तक पहुंचा जा सकता है। दोस्तों, ये थी ओम बन्ना के चोटीला धाम से जुड़ी पूरी जानकारी। अगर आपको भी कोई मनोकामना है और आप यहाँ जरूर पधारें। ओम बन्ना के आशीर्वाद से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, और आपको कभी इस रास्ते से गुजरने का मौका मिले तो भी बन्ना के दर्शन करके जाएं। आप में से कभी कोई गया है तो आपका अनुभव हमारे साथ साझा जरूर करें, और कमेंट में जय ओम लिखना न भूलें। साथ ही अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।